पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धपेरा मोहगांव सोसाइटी का लेखापाल रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस ने 3,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के धरना स्थल पर पहुंची पुलिस, हड़ताल समाप्त करने की दे रहे समझाइश। वेटनरी ऑफिस के पास से हटाया गया अतिक्रमण, प्रशासनिक अमले ने की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। कोटवार संघ ने निकाली वादा निभाओ रैली और सीआरपीएफ बटालियन द्वारा किया जा रहा बालिका खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम मोहगांव धपेरा की सेवा सहकारी समिति के लेखापाल ऋषभ लाल दशहरिये को लोकायुक्त पुलिस ने 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त पुलिस के डीएसपी दिलीप झरवड़े के नेतृत्व में यह छापामार कार्यवाही शुक्रवार को 11 बजे फरियादी सीताराम नकपुरे की शिकायत पर की गई। मोगांव निवासी सीताराम नकपुरे ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी कि सोसाइटी का लेखापाल ऋषभ लाल दशहरिये उनकी हल्की क्वालिटी की 50 क्विंटल धान खरीदने के लिए 7,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था, जिसमें से 3,500 पहले दे चुके हैं और 3,000 रुपये मांगे जा रहे थे, जिस पर लोकायुक्त को शिकायत की गई। जी, क्या नाम है आपका? सीताराम नकपुरे। क्या घटना हुई थी, कैसा किया? मैंने 16 तारीख को यहाँ पे धान ला करके रखा था जी। कितनी? 157 कट्टी जी, जिसमें वो धान को रिजेक्ट कर दिया, बोले बदरा है नहीं खरीदेंगे, आप कुछ पैसे दोगे यानी 7-8 हज़ार रुपये तो आपकी धान खरीद लेंगे जी। मेरे पास उस समय पैसे की कमी थी, पैसा नहीं जम पाया, सोसाइटी में धान रखी गई यानी 27-28 दिन तक यहाँ पे धान रही, जिस समय मेरे पास पैसा जमा हुआ। कब की बात है ये लगभग? ये 16 तारीख की बात है यानी ये 16 नवंबर। हाँ अच्छा, तो मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई जी। जब पैसे की व्यवस्था हुई तो मैंने उनको ला करके 3,500 रुपये एक साथ में दिया, तो मेरे धान को काटा करना, मैंने भूरे दिया और चालू किए काटा करना। अब बाकी जो रकम है बोले 3,500 रुपये, जिस दिन पूरा तुम्हारा काटा होगा उस दिन पूरा दे देंगे जी। तो काटा का फिर क्या किया आपने? फिर मैंने लोक अदालत में जाकर किया तो शिकायत रखा। अच्छा, आप खुद गए थे जबलपुर? मैं जबलपुर अकेला गया था स्वयं जी, और वहाँ पे मेरे को कहीं से पता चला, मैं उनका नंबर ढूंढा मिला नहीं, बालाघाट में प्रेस में से निकाला नंबर और वहाँ पे जा करके मैंने कार्रवाई की जी। उन्होंने बोले 1 रुपये घूस देने का नहीं है, आपका काम अच्छा होगा। वहीं डीएसपी दिलीप झरवड़े का कहना है कि सीताराम नकपुरे की शिकायत पर 15 दिसंबर को योजना बनाकर लेखापाल ऋषभ लाल दशहरिये को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। फरियादी श्री नकपुरे ने लेखापाल को सोसाइटी के ऑफिस में 3,000 रुपए दिए। लेखापाल श्री दशहरिये ने यह 3,000 रुपए लेकर अपने जेब में रखे और जैसे ही बाहर निकले लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और उनके पास से वही 3,000 रुपए जब्त किए जो लोकायुक्त पुलिस ने चिन्हित किए थे। वहीं हाथ धुलाने पर लेखापाल के हाथ से रंगीन पानी भी निकला जो नोट पर लगे केमिकल से संबंधित था। सर, क्या कार्रवाई की गई आज? हमारे फरियादी है सीताराम नकपुरे, ये मोगांव के निवासी हैं। इनका सेवा सहकारी समिति मोगांव से लगभग 50 क्विंटल धान खरीदी की गई थी। धान को कंप्यूटर के पे चढ़ाने के एवज में 7,000 रुपये की रिश्वत यहाँ के लेखापाल हैं ऋषभ लाल दशहरिये, इनके द्वारा मांग की गई थी। उसमें से 3,500 रुपये वो फरियादी से ले चुके थे, आज 3,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार की गई, कार्रवाई जारी है। कैसे किया आपने ट्रेस? ये हमारी कार्रवाई है, इसको भी बताया जा सकता है। अभी आगे क्या कार्रवाई हो रही है सर? जांच चल रही है। क्या मामला बन रहा है, क्या हो रहा है आगे? भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला। वहीं रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए लेखापाल श्री दशहरिये का कहना है कि पुरानी रंजिश को लेकर उन्हें फंसाया गया है,
यह 3,000 रुपये श्री नकपुरी ने उन्हें खाद के लिए दिए थे, जिसकी रसीद काटने वह बाहर आ रहे थे। आपका परिचय? मैं हिसाबलाल दशरथी समिति मोगा धपेरा लिखा पाया। जो कार्रवाई हुई है लोगों के द्वारा, जो आपके ऊपर जो बताया 3,000 रुपये लेते हुए आपको जो रंगे हाथ पकड़ा गया है, क्या है मामला, आपको क्या कहने इस बारे में? जो प्रार्थी था, मतलब वो उसकी सीधी साजिश है, पूरे रंजिश को देखते हुए उसने मेरे साथ ऐसा किया है। और जैसे ही यहाँ आया तो मेरे को बोले खाद चाहिए 2 DAP 2 यूरिया। मैं बोला देता हूँ, मैं धान खरीदी का कार्य कर रहा था, मैं सामने निकला तो उन्होंने खाद का 3,000 रुपये दिया और 1 मिनट के अंदर लोकायुक्त वाले ने पकड़ लिया मुझे। मानते हैं साजिश की गई आपके खिलाफ, जो प्रार्थी द्वारा बताया गया कि आपने धान खरीदी के एवज में मांगा था, तो यह पूरी तरह आरोप झूठा है और साजिश मानते हैं, क्या क्या रहा है? 101% गलत इसलिए है क्योंकि इसके पूर्व था आज उसकी वो दुश्मनी और अदा कर रहा है, क्योंकि उसका लड़का जेल चले गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल समाप्त कराने शुक्रवार की रात SDM, CSP, तहसीलदार और थाना प्रभारी सहित प्रशासनिक अमला बस स्टैंड पहुंचा और 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठी एक महिला को अस्पताल ले जाने की बात कहने लगे, लेकिन हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आमरण अनशन कर रही महिला की तबीयत बहुत खराब है, उसे इलाज की जरूरत है, इसीलिए उसे अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं मान रही हैं और दोनों के बीच रात 9:30 बजे तक कश्मकश जारी रही। आपको बता दें, इससे पहले आमरण अनशन करने वाली सभी महिलाओं की तबीयत शुक्रवार को बिगड़ गई थी। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें सुनीता सोनी, अंजू टेकाम और डुलन राहंगडाले शामिल हैं। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देर शाम तक हड़ताल स्थल पर आमरण अनशन पर बैठी रही। शाम को जिला अस्पताल के RMO डॉक्टर लांजेवार पंडाल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रही महिला को जिला अस्पताल में भर्ती होने की सलाह भी दी। वहीं प्रभारी कलेक्टर मंजूषा राय द्वारा भी अधिकारियों के साथ हड़ताल कर रही कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की गई और हड़ताल खत्म करने की सलाह दी गई थी, लेकिन ये कार्यकर्ता हड़ताल खत्म करने पर राजी नहीं हुए। इसके बाद शाम को भी महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी हड़ताल स्थल पर पहुंची थी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हड़ताल खत्म करने की समझाइश दी गई थी। मैडम, आज आप लोगों के साथ में प्रशासन की बैठक हुई, क्या निर्णय हुआ इसमें? आज हमें जिला कलेक्टर ऑफिस में हमारी प्रभारी मंजूषा राय मैडम ने हमें बुलाया था, सारे आला अधिकारियों के सामने। उनने काफ़ी हमारे ऊपर दबाव प्रेशर डाला गया हड़ताल को स्थगित करने के लिए, पर हम लोग किसी के दबाव प्रेशर से नहीं, हमारी मानव अधिकार की, हक अधिकार की लड़ाई है कि हम अपनी जायज मांगों के लिए लड़ सकते और अपने अधिकार को ले सकते हैं, और हम किसी के धमकाने चमकाने से नहीं उठेंगे, हम अपनी जायज मांगों के लिए हड़ताल जारी रहेंगे। तो कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया? नहीं, हमारा ठोस निर्णय नहीं लिखा। अगर मैडम अगर हमारी हड़ताल की फिक्र करती है तो लिखित हमें शासन प्रशासन से दिलवा दें कि इनकी जायज मांगों के लिए बैठे और इनकी मांग शीघ्र से अति शीघ्र की जाएगी, हम अभी हड़ताल स्थगित कर देंगे। पर मैडम ने तो खुद अपने हाथ खड़े कर दी कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो हम भी हड़ताल स्थगित नहीं कर सकते। पावर हाउस के पास पशु चिकित्सा विभाग की खाली जगह पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। इस जगह पर अतिक्रमण किया जाता इससे पहले ही प्रशासनिक अमले द्वारा यहां JCB चलाकर अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। यहां हो रहे अतिक्रमण की शिकायत पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक, तहसील कार्यालय और नगरपालिका प्रशासन से की। इस पर प्रशासनिक अमले ने शुक्रवार को स्थल पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से आक्रोशित महिला फातिमा शेख ने कहा कि हमेशा गरीबों के ही अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाता है। एक घंटे के अंदर, एक घंटे के बाद नगर पालिका के कर्मचारी और वो फिर इसकी पूरी व्यक्ति की कार्रवाई होगी, और नहीं हटाओगे तो शाम तक FIR भी हो जाएगी। और
नाम बताया? मेरा कुमारी फातिमा खान। अच्छा, यहाँ आपने कब्जा किया था? हाँ। अच्छा, क्यों किया था कब्जा? सुनो, यहाँ पर हमने कब्जा किया था कि ये बालाघाट में चिन्हित है, चिन्हित जगह है झुमकी झोपड़ी के लिए, जैसे ये दूध डेयरी, पीछे की ये गंगानगर और क्या कहते हैं गौरीशंकर नगर, इंदिरा नगर, तो ये चिन्हित जगह थी, यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन किंतु अभी हम 10 दिन से 15 दिन से यहाँ काम कर रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने गरीबों के साथ खिलवाड़ करने के लिए होस्टल के सामने अपना जमीन अतिक्रमण की रोकने लगे, जिसका प्रभाव हम 5 लोगों ने जो इधर रोके थे उस पर पड़ा। ये जमीन हालांकि उसमें नहीं जा रही थी, लेकिन अब कहा शासन और प्रशासन ने इस ओर भी ध्यान दिया, जबकि ये जगह में अभी भी झुंगी झोपड़ी बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि पूरी झुंगी झोपड़ी का एरिया बना हुआ एरिया है, तो उस एरिया में हम भी जानते थे शासन, और मोदी जी ने कहा था कि अगर ये सरकारी जमीन होती, वेटरनरी की और जेल की होती, तो अभी तक इसका यूज हो जाता, यूज। और यहाँ लिखा रहता है कि ये जमीन आरक्षित है सरकारी भूमि के लिए, वेटरनरी की आरक्षित, ना तो यहाँ पर बोर्ड टंगा है कि ये भूमि आरक्षित है। जब यहाँ बोर्ड भी नहीं टंगा है तो ये जमीन को हम क्या माने। वहीं पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर घनश्याम परते ने बताया कि यह विभाग की जमीन है। मैं डॉक्टर घनश्याम परते। सर, आपने आज तहसीलदार को शिकायत की थी कि कुछ लोग आपकी ज़मीन के सामने पे कब्जा उब्जा कर रहे हैं, कैसे क्या मामला था? ये हम लोगों के पशु चिकित्सा विभाग की ज़मीन है। यहाँ पे हमें 2 दिन से ऐसी जानकारी लग रही थी कि कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। जब आज हमने सुबह आके देखा तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने खूटे उटे गाड़ रखे थे, पूरे निशानदेही कर लिए थे मकान बनाने के लिए। तो चूँकि सरकारी ज़मीन है तो स्वाभाविक और विभागीय ज़मीन हमारी, हमारा प्लान यहाँ पे आगे का कि पशु चिकित्सा विस्तार विभाग का विस्तार भी करना है, और दूसरे भी जो हमारे काम रहते हैं, हमारे कर्मचारियों के भी यहाँ पे क्वार्टर्स नहीं है, तो उसके लिए हमारी प्लानिंग चल रही है आगे की। तो इससे अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने नगर पालिका में भी शिकायत किया था, तहसीलदार साहब से भी किया था, और SP साहब से हमने तत्संबंध में शिकायत की हुई। तो आज क्या हुआ यहाँ पे? आज पुलिस बल, नायब तहसीलदार महोदय और नगर पालिका का अमला आया, और उन्होंने इन लोगों से संपर्क करके जो भी कार्रवाई हो सकती है उनकी लीगल कार्रवाई उन्होंने किया है, बाकी जानकारी जल्दी मिल जाएगी अपने को। मध्य प्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ द्वारा 15 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर वादा निभाओ रैली निकाली गई। यह रैली तहसील कार्यालय से शुरू हुई और कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इससे पहले तहसील कार्यालय के सामने एक सभा भी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके वादे की याद दिलाई गई। निवेदन करेंगे, हम बालाघाट जिले के कलेक्टर से बात करना चाहेंगे कि जो राशि मई जून 2017 में जो यह बालाघाट जिले के कलेक्टर के खाते में आई गई है, वो राशि बालाघाट जिले के कोटवारों को क्यों प्रदाय नहीं की गई। बालाघाट जिले के कलेक्टर के खाते में जो राशि जून 2017 में आ गई है, वो आज तक मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के कोटवारों के खाते में जमा नहीं की गई है। वो क्यों जमा नहीं की गई है, इस बात की चर्चा आज हम मध्य प्रदेश के कोटवार संघ के माध्यम से हम जो रैली लेके जाएंगे उसमें हम अपनी चर्चा करेंगे, और चर्चा में वो बात हम लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ गैंगमैन श्रमिकों ने शुक्रवार को PWD कार्यालय पहुंचकर अपने विभिन्न मांगों को लेकर कार्यपालन यंत्री श्री ठाकरे को ज्ञापन सौंपा। श्रमिकों ने बताया कि काफी वर्षों से कर्मचारियों को अर्जित अवकाश दिए जाने का प्रावधान था, जिसे इस वर्ष समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा EPF की राशि भी नहीं काटी जा रही है, वहीं वेतन का भुगतान भी सही समय पर नहीं किया जाता। इस सभी समस्याओं को लेकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। यदि हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगामी समय में कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यही लोक निर्माण विभाग में ही है तो काम करते हैं, हेडक्वार्टर में। क्या काम करते हैं? ये सर है तो लेबर में है अपन लोग सब। क्या समस्या है बताइए? हमारी समस्या ये है कि हम लोगों को जो 15 दिन की अर्जित अवकाश मिलती थी
वो हमको आज तक की मिली यानी 15-20 साल हो गया, 40 साल करीब हो गया, पर आज तक की कोई आपत्ति नहीं आई थी। हमको आवेदन करते थे, छुट्टियां मिल जाती थी, पर इस वर्ष जुलाई से हमारे सक्षम अधिकारी बोल रहे हैं कि ये तो आप लोगों को अब नहीं मिलेगी छुट्टियां बोल। अब दिनांक तक के पीएफ की राशि नहीं काटी जा रही है, जिससे हमारे विभाग के हमारे साथी लोग जो रिटायरमेंट हुए हैं उनको इस लाभ से वंचित रह चुके हो लोग, ताकि ये राशि कट दी, उनको लाभ तो मिलता। पूरे जिले में लेवल पे है जी, 500-600 कर्मचारी करीब है अपने लोक निर्माण विभाग में, सभी के साथ में जो तो अपन ने आवेदन है तो प्रस्तुत किए हैं। अच्छा, कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कार्रवाई नहीं होती तो जी आंदोलन करेंगे। सीआरपीएफ की 123 बटालियन द्वारा आगामी 19 और 20 दिसंबर को नगर के मुलना स्टेडियम में जिला स्तरीय बालिका खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को सीआरपीएफ के 123 बटालियन के कमांडेंट रघुवंश कुमार मुलना स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने इस टूर्नामेंट से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस आयोजन के संबंध में सीआरपीएफ कमांडेंट रघुवंश कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा प्रायोजित इस खेलकूद की तैयारियां की जा रही है। वहीं 19 दिसंबर को सुबह 8 बजे सीआरपीएफ कैंप भरवेली से रन फॉर डिग्निटी का आयोजन किया गया है, जिसमें मशाल रैली निकाली जाएगी जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मुलना स्टेडियम में सम्पन्न होगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस 123 बटालियन भरवेली में जो स्थित है वो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बालाघाट जिला में बालाघाट जिला स्तरीय कन्याओं के लिए जो 12वीं तक की कक्षा में पढ़ रहे हैं, अंतर जिला ब्लॉक लेवल की टीम का पार्टिसिपेशन से खेलकूद प्रतियोगिता करा रही है, जिसके लिए हम लोगों को स्टेडियम हम लोगों ने मांगा है यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी से, वो हम लोगों को स्टेडियम दिए हैं, तो आज उसकी तैयारी के क्रम में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये जो गेम है ये 19 तारीख को शुरू होगा और 20 तारीख को खत्म होगा। ये गेम्स करवाने का क्या मुख्य उद्देश्य है सर? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को जन सामान्य से अच्छा समन्वय बिठाने के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, उनके कौशल में विकास लाने के लिए, उनके खेलकूद की क्षमताओं में प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए, ताकि लोगों को खेल के प्रति रुचि रखें, रुचि हो, अच्छे नए नए प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिले, इस उद्देश्य से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सिविक एक्शन प्रोग्राम एक जन कल्याणकारी योजना है, उसके तहत कार्य करती है। प्रतियोगिता का जो भी आयोजन हो रहा है उसके पहले जो हमारी मशाल चलेगी वो हमारे सीआरपीएफ कैंप भारवेली से चलेगी, जहाँ पे हम लोग 19 तारीख को 8 बजे उस मशाल को प्रज्वलित करेंगे और वो मशाल शहर के बीच से गुजरते हुए करीब 10:30 बजे तक इस ग्राउंड में पहुँचेगी और फिर मुख्य अतिथि के द्वारा इस खेल की शुरुआत के लिए मुख्य मशाल को उस मशाल से प्रज्वलित किया जाएगा। भरवेली में 10 दिन पहले एक नवविवाहिता तुलसाबाई ढोमने ने जहरीली वस्तु खाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने दहेज हत्या के इस मामले में मृतका तुर्जाबाई के पति मनोज ढोमने को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी को अदालत ने न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। जानकारी के अनुसार तुर्जाबाई का पति मनोज अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहता था। इसी प्रताड़ना से तंग आकर उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। रामबाली क्षेत्र के ग्राम डोंगर गांव में शराब के नशे में धुत एक युवक ने अपने खेत के खलिहान में रखे पैरे के ढेर में आग लगा दी और चलते पैरे के ढेर में कूद गया। आग से झुलसने से गंभीर इस युवक श्रीचंद मरसकोले को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि अधिक नशे की हालत में श्रीचंद मरसकोले ने यह हरकत की। बिरसा क्षेत्र के ग्राम अचानकपुर में निवास कर रहे अनुसूचित जाति के एक परिवार को गांव से बहिष्कृत किए जाने का मामला सामने आया है। गांव से बहिष्कृत यह परिवार पिछले 13 दिनों से भारी परेशानी उठा रहा है। पीड़ित संतोष मिश्रम द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय और अजाक्स थाने में शिकायत की गई है।
पीड़ित संतोष मेश्राम का कहना है कि जातिगत आधार पर उसका गांव से बहिष्कार नशा मुक्ति संगठन के द्वारा किया गया है। हमारे दुकान में सब नशा मुक्ति वाले नशा मुक्ति समिति वाले मेरे को बोलते हैं कि हमारे यहाँ दुकान से हटा दो, हमारे जात वाले सब खाते पीते हैं, चाय पानी नाशा पानी सब का गुटखा पानी खाते हैं, इसलिए तो हमारे दुकान से यहाँ से हटा दे, ऐसा करके बोले। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मेरी दुकान चलता है, मेरे पेट में लात मत मारो, रहने दो, ऐसा करके उनको बोला। तो उन लोग ने बोले मेरे से 2500 रुपये दंड लिए कि दुकान नहीं हटाता था, हमको दंड दे कहकर, और दंड 2500 लेने के बाद में कि यहाँ से खाना पीना आना जाना बोलना चालना बंद कर दो, कहकर पूरे गाँव वाले आना जाना बंद कर दिए, बच्चे भी नहीं आते मेरी दुकान में। अच्छा, आपकी काय की दुकान है? चाय की है, चाय नाश्ता बनाता हूँ, पान दुकान है, बच्चे लोग पढ़ते लिखते हैं, उनकी सब काफ़ी पुस्तक भी हैं। तो गांव वालों का क्या कहना है कि आप दुकान बंद करो? हाँ, समिति वाले। तो क्या क्यों कारण से बोल रहे हैं दुकान है? तेरी दुकान में खाने से हम छुआछूत लगता है, यहाँ से तेरे इसकी दुकान में आना जाना खाना पीना बंद। अभी क्या अभी आपका गांव से पानी हुक्का पानी बंद कर दिए हैं क्या, बहिष्कृत कर दिए हैं क्या? हाँ जी, मेरे को बहिष्कृत कर दिए है। कब से? कब से, कितने दिन हो गया? मेरे को 2 तारीख से, 2 तारीख से किए हैं। तो अभी फिर आप कैसे रह रहे हैं गांव में, कहां से खाना पीना क्या? नहीं तो अपने घर से खाता हूं, स्कूल के पास प्रतिशाला के पास मेरे दुकान है। हाँ। तो आना जाना करता हूं, कभी काल खोलता हूं तो आने जाने, कभी अभी काल को ले लेते चलते। अभी गांव वाले बात बात करते हैं? कोई बात नहीं करते गाँव वाले, कोई बात नहीं करते, न मेरे से बोलते नहीं, न कुछ नहीं। वहीं इस मामले में पद्मेश न्यूज ने नशा मुक्ति समिति की अध्यक्ष गीता गिरी से दूरभाष पर चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि गांव की नशा मुक्ति समिति गांव में जुआ शराब के खिलाफ अभियान चलाती है, लेकिन संतोष मिश्राम द्वारा गांव के लोगों को दूसरे गांव जुआ खिलाने ले जाया गया था। इसी के चलते गाँव के लोग उससे किसी प्रकार का संबंध नहीं रख रहे हैं। वहीं साले टेकरी चौकी प्रभारी ने भी कहा कि उनके पास शिकायत आई है, मामले की जांच की जा रही है। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। धपेरा मोहगांव सोसाइटी का लेखापाल रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस ने 3000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के धरना स्थल पर पहुंची पुलिस, हड़ताल समाप्त करने की दे रहे समझाइश। वेटनरी ऑफिस के पास से हटाया गया अतिक्रमण, प्रशासनिक अमले ने की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। कोटवार संघ ने निकाली वादा निभाओ रैली, और सीआरपीएफ बटालियन द्वारा किया जा रहा बालिका खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।